70 साल की लीज की आजादी, ऐसा भाजपा वाले कहते हैं। और 8 साल की असली आजादी के बाद भी यदि देश के नागरिकों को रहने के लिए घर नहीं मिले हैं तो यह किसकी कमी है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि अवैध निर्माण के नाम पर बस्तियां गिरा देने के बाद लोगों को उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ भरी बरसात में खुले आसमान के नीचे मरने के लिए छोड़ देना क्या राजधर्म है? नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत, मैं त्रिलोचन भट्ट। दोस्तों, ये वीडियो मैं बिना किसी आर्थिक सहायता के और बहुत कम संसाधनों से बनाकर आप तक भेजता हूँ। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीमा है, सोमवार सुबह जब देहरादून नगर निगम का बुलडोजर इनकी बस्ती को तोड़ने पहुंचा तो ये अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। घर का बचना अब संभव नहीं था। सीमा कोशिश कर रही थी कि घर टूटने से कम बच्चों को एक एक रोटी खिला दे, लेकिन नहीं खिला पाई। गूंदा हुआ आटा छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि तब तक सत्ता के बुलडोजर ने उनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया था। शाम को जब मैं इस बस्ती में पहुंचा, तब तक इन लोगों को और इनके बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नसीब नहीं हुआ था। बेघर हो गए, हम तो सामान उठाने की नौबत भी नहीं आने दी कि सामान उठा लो, कम से कम 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। हम क्या क्या सामान कहाँ जाए, अब सारा ही खाना दाने का सारा ही, तो मेरा तो सारा रोटी बिना सेक नहीं, आटा भी आधा का आधा रखा रह गया, वो मुझे दब गया, रोटी बिना बना दी मुझे तो। देहरादून के आमवाला तरला में 21 मजदूरों की इस बस्ती को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, हो सके तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें, आपको आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो के अंत में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तमाम अधिकारियों और नेताओं से निवेदन करने के बाद हमें उम्मीद थी कि बारिश तक के लिए मजदूरों के घर बच जाएंगे। देहरादून के मेयर ने भी ऐसा आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार की सुबह 2 बुलडोजर पहुंचे और कुछ ही मिनट में पूरी बस्ती को जमींदोज कर दिया गया। एक बात नोट की आपने, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करती है। मदद बेशक न पहुंचे, इन बातें बहुत करती है, लेकिन जब लोगों को खुद बेघर करती है, छोटे छोटे बच्चों को भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे छोड़ देती है तो चैन की नींद सो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं बस्तियों को तोड़ने का आदेश देने वालों से और उस आदेश का पालन करने वालों से कि आपको पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ने के बाद नींद कैसे आ जाती है। और यदि बात केवल अवैध निर्माण की है तो उन भवनों पर भी एक नजर डाल लें जिनमें आपके बड़े बड़े दफ्तर चल रहे हैं, और उन्हें भी देख लें जहां नेताओं के ऐशगाह चल रहे हैं। बस्ती के लोगों को अपनी व्यवस्था करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इस व्यवस्था से हम सभी सहमत थे, लेकिन 3 दिन में ही बुलडोजर भेज दिए गए। उस समय वहां तेज बारिश हो रही थी, लोग दिन का खाना पका रहे थे, किसी को कोई समय नहीं मिला न खाना बनाने का, न राशन कपड़े बिस्तर समेटने का। बुलडोजर अपने घर तक पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने जो कुछ सामान समेटा भी, वह भी बारिश में रखने की जगह नहीं मिली और खराब हो गया। इस मामले में एक खास बात यह है कि जिस दलाल महिला का ये मजदूर बार बार नाम ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उस महिला ने इनसे जमीन पर कब्जा करने के नाम पर 4-4 लाख रुपए लिए थे, उस महिला के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या बोला, इन्होंने बर्बाद तो कर दिया हमें, पूरा यहाँ पर घर हमारे यहाँ पूरा बेघर कर दिया इन्होंने, तो बस पैसे की डिमांड, बार बार डिमांड डाली जा रही थी पैसे की। तो पहले हमें झूठी दिलासा दी कि अपने घर बनाओ, मैंने ऊपर तक अपनी पहुंच लगा रखी है, मेरे सारे अधिकारी मेरे अंडर में हो, नगर निगम से मैंने बात कर रखी है, सबसे बात कर रखी, फिर हम ये पैसे इसे दिए, करा के यहाँ अपना कब्जा करो और तुम रहो और पैसे दो मुझे। उसके बाद जब हमने शुरू करा, यहाँ पर कुछ नुकसान हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे, किसी की सांप ने काट दिया, 20-22 साल का बच्चा किसी का, है नहीं 24 साल का लड़का, तो हमने कहा यार थोड़ा एक एक ईंट की दीवार है, 4.5-4 इंच की दीवार है ये, ठीक है, तो आज तक कांठी ये काला या जो भी है इसका नाम, तो समय दिया गया था कि तुम्हें बरसात भर यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, बरसात पर पूरी रह सकते हो, ठीक है, बरसात खत्म होते ही आप यहाँ से ये जगह खाली कर देना या कुछ हो सकता है। लेकिन आज तीसरा 3 महीने का समय देने के बाद भी आज ये है कि आज तीसरा दिन था, कुछ नहीं था, ये भी थी आई कोई टाइम ही कहीं नहीं दिया ना कोई एप्लीकेशन ना कुछ आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि अवैध निर्माण हटाना सरकार का काम है तो बेघर लोगों को छत मुहैया कराना भी सरकार का काम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्द ही मिलते हैं जनता के मुद्दों और पर्यावरणीय मसलों को लेकर एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।